जब तक आपका सिलेबस एस पर योर एनईपी कंप्लीट नहीं हो जाता तो so मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप एस डब्लू एन टी राइट गाइड सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट स्टार्ट दिस वीडियो ओके सो नाउ गाइज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर दिस न्यू टॉपिक डेट इज कंपनी लॉ कंपनी लॉ का आज बेसिक रखेंगे यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कंपनी लॉ क्या है हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी के बारे में समझा था गाइज की कंपनी क्या होती है ठीक है हमने वहाँ पे सोल ट्रेडर पढ़ा था फिर हमने पार्टनरशिप पढ़ा था फिर हमें समझा था कि जब ज्यादा लोग हो जाते हैं जब आपको लगता है कि पार्टनरशिप में आपका काम नहीं बन रहा है देर आर सो मेनी पीपल विथ यू नाउ तो एक बड़े लेवल पे जब स्टार्ट करता जाते हो ठीक है वो आप एक कंपनी बना सकते हो देखो प्राइवेट में तो है कि हाँ लिमिट इतनी की है कम की है है ना वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो ठीक है देन आप वन पर्सन कंपनी भी आपने समझा था बट कंपनी बेसिकली यहाँ पे जब ज्यादा लोग इन द टर्म की मान लो सौ दो सौ जा रहा है क्रॉस कर रहा है तब आप कंपनी बनाओगे ठीक है क्योंकि पार्टनरशिप की एक जो लिमिट है वो आप जब एक्सटेंड होती है तो आप सोचते हो बड़े लेवल पे आने का हम कंपनी को क्रिएट करते हैं तो कंपनी हमने समझी थी अंडरस्टैंड की थी जब आप सब लोग मिलके ठीक है बहुत सारे लोग जो भी आप खुद प्राइवेट भी कर सकते हो है ना आपस में मिलकर आप पब्लिक से भी जब पैसा उठाना चाहते हो पब्लिक में भी इंट्रोड्यूस करते हो अपने शेयर्स वो खरीदते हैं जब बल्क में मतलब बहुत ही ज़्यादा कैपिटल की नी नीड होती है तब तो आप एक कंपनी मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे स्विच करना पसंद कर जाते हो और कंपनी के काफ़ी फ़ायदे भी देखे थे हमने कि सही है आपके लिए कंपनी यहाँ पे जो भी शेयर है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो रिस्क जो है वो बढ़ सकता है काफ़ी लोगों में कैपिटल ज़्यादा आ सकती है आपके पास शेयर ट्रांसफेबिलिटी का ऑप्शन आपको मिल जाता है तो बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड की थी ठीक है अलग अलग केस था जो भी प्राइवेट पब्लिक कंपनी का वो अंडरस्टैंड किया था तो कंपनी का कुछ ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है आज हम कंपनी लॉ को समझेंगे कि कंपनी लॉ क्या है कंपनी लॉ क्या बताता है कि कंपनी कैसे बनती है क्या होती है ठीक है और कौन कौन से लॉ के अंदर चीजें हैं जो कंपनी के चीजों को गाइड करता है वो सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कवर करने वाले हैं तो मीनिंग को समझेंगे डेफिनेशन को समझेंगे एंड ऑल ओवर इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट को समझने के लिए हम इसके फीचर्स या इसके कैरेक्टरिस्टिक को अंडरस्टैंड करेंगे सो ये था एक ओवरव्यू ना हम बात करेंगे कि कंपनी होती क्या है सबसे पहले कंपनी समझ लो तो बहुत सारे डेफिनेशंस हैं आपकी कंपनी की बहुत सारे जो लीगल एक्सपर्ट उन्होंने अलग अलग तरीके के डेफिनेशन दी हैं अगर हम कंपनी एक्ट 2013 की बात करें जिसका सेक्शन 220 है उसके अकॉर्डिंग कंपनी क्या है तो उसने डिफाइन किया कि कंपनी जो है कंपनी मीन्स कंपनी इनकोपरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ कि कंपनी क्या होती है कंपनी एक कंपनी होती है जो इस एक्ट के तहत डेट इज कंपनी एक्ट टू या इसका जो प्रीवियस कंपनी लॉ था नाइनटीन उसके अंदर जो एक फॉर्म होती है कंपनी वही क्या है कंपनी है तो अगर हम कंपनी को और समझना चाहें कि उसके फीचर्स को जो एक्सप्लेन करें उस कंपनी को तो हम एक और डेफिनेशन में मूव करेंगे डैट इज लॉर्ड जस्टिस की एक डेफिनेशन है ठीक है उसको हम देखेंगे अ कंपनी इज मेंट एन एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन देखो ये बता रहा है कि कंपनी क्या है बहुत सारे लोगों का एक एसोसिएशन या कहते हैं एक ग्रुप है ठीक है जब बहुत सारे लोग आपस में आते हैं एक साथ एक एसोसिएशन बनाते हैं ठीक है हु कंट्रीब्यूट मनी देखो लोग आपस में एक साथ आए हैं एक एसोसिएशन बनाया बट किस लिए बनाया है उन लोगों ने आपस में क्या किया है पैसे को कंट्रीब्यूट किया तो सबने कहीं ना कहीं से अपना अपना पैसा जो है वो लगाया है. एक कॉमन स्टॉक पे कह सकते हैं like लाइक उन्होंने एक साथ मिलके कोई ट्रेड स्टार्ट किया या कोई बिजनेस स्टार्ट किया है उसमें सब लोग आपस में आए मिले और क्या लगाया है अपना अपना पैसा लगाया है जिसे हम बेसिकली क्या कहते हैं कैपिटल कहते हैं उस कंपनी की अब उन्होंने क्या किया अपना पैसा लगाया है और वो क्या करने वाले हैं यहाँ पे क्यों पैसा लगा रहे हैं क्योंकि वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या बिजनेस पे पैसा लगा रहे हैं या जो भी स्टॉक है उस पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं ताकि वो प्रॉफिट या लॉस जो भी उससे आ रहा है

कोई तो भी आप ट्रेड है जिसमें भी आपने इन्वेस्टमेंट किया जैसे हम कहेंगे कॉमन स्टॉक जिसमें सबने पैसा लगाया है वो जो आपने पैसा लगाया उसको हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं कंपनी की कैपिटल और जो लोग वो पैसा लगाते हैं या जो लोग उस पैसे को कंट्रीब्यूट करते उन्हें हैं उन्हें हम क्या कहते हैं मैम्बर्स कहते हैं और जितने प्रपोर्शन में आपने पैसा लगाया है उतना ही आपका क्या होता है शेयर होता है जैसे कहते नहीं कि आपने मान लो जितना पैसा लगाया है आपकी कैपिटल में उतना आपका शेयर बना आपने एक अकाउंट में पढ़ा होगा कि वन इज टू 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 थ्री के रेशियो में उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है और जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो उनका वन इस टू वन एस टू वन हो गया एक साथ शेयर आपका है या जिसका ज्यादा है जिससे ज्यादा पैसा लगा उसका ज्यादा शेयर है वो उस तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूट किया शेयर हमेशा ट्रांसफरेबल होते हैं ऑल टू द राइट टू ट्रांसफर देम इज ऑफन मोर और लेस रिस्ट्रिक्टेड मतलब शेयर क्या होते हैं हमेशा ट्रांसफर लेबल होते हैं अब डिपेंड नहीं करता है प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी का क्राइटेरिया अलग अलग है कि कोई अलाउ कर रहा है ठीक है बेसिकली पब्लिक कंपनी आपको पूरा अलाउ कर देती है कि आप अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो ठीक है तो वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लेकिन कुछ कंपनीज है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है शेयर को ट्रांसफर करने के रिगार्डिंग वो हम आगे डीप में पढ़ेंगे तो शेयर यहाँ पे क्या होते हैं हम बेसिकली जो कंपनी के शेयर होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं जैसे कि आपको पार्टनरशिप में नहीं मिलता आपने आ, ओना आपकी जो पार्टनरशिप है वो आप किसी और को नहीं भेज सकते हो कल को कोई और पार्टनर आपकी जगह नहीं ले सकता बट कंपनी में आपने आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट में अपने शेयर को बेचते खरीदते रहते हो तो आप बेच सकते हो कोई और आप उस कंपनी का क्या हो जाएगा आपके बिहार पर जिसने भी शेयर खरीदा वो उसका ओनर हो जाएगा तो ये हमने समझा बेसिकली कि कंपनी क्या है कंपनी एसोसिएशन है लोगों का जो एक साथ आते हैं पैसा लगाते हैं और जो भी वो पैसा लगाते हैं कॉमन स्टॉक में

तो जनरल में अगर हम कंपनी के डेफिनेशन पढ़े तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ भाई एक लॉ ने क्रिएट किया है यहीं से आता है कंपनी का लॉ कि जो भी कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है ना वो एक लॉ के तहत आती है ऐसा नहीं है कि हवा में कंपनी आ जाएगी कुछ रूल्स रेगुलेशन गाइडेंस गाइडलाइंस होती हैं एक लॉ की जो कि आपका कंपनी लॉ है उसके तहत ही आपको कंपनी को क्या करना है बनाना है तो आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहता है इसके आगे फीचर्स में समझेंगे समझना ये है कि कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है जो एक लॉ के तहत आया है डैट है सेपरेट लीगल एंटिटी इसके जो एंटिटी है अब ये सेपरेट लीगल एंटिटी अगर आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्टनरशिप वाला क्राइटेरिया समझा था सोल ट्रेडर पढ़ा था कंपनी पढ़ा था तो वहां पर यह टर्मोलॉजी बहुत बार रिपीट हुई थी कि एंटिटी का लीगल एंटिटी कैसी है सेपरेट है सेपरेट मतलब कि आप और कंपनी दोनों आपस में क्या हो अलग अलग हो कल को आपको कुछ हो जाता है जैसे कि मान लो आप आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए आप मेंटली सिक हो गए या फिर आप पागल हो गए हो या फिर आप बैंक हो गए आपकी डेथ हो गई ठीक है मान लो ऐसा कुछ भी केस हो गया तो ऐसा नहीं कि वो कंपनी बंद हो जाएगी कंपनी आपसे अलग है आप कंपनी से अलग हो वो अपना चलती रहेगी आपके होने ना होने से उसको कोई असर नहीं पड़ता परपेचुअल सक्सेशन है परपेचुअल सक्सेशन का क्या, क्या मीनिंग है वो हम इसके आगे में पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पे समझना है कॉमन सील है एंड अ कॉमन सीन मतलब इसके पास क्या, -क्या है पहले तो सपरेट लीगल एंटिटी वाला फीचर ये वही बनकर जाएगा आर्टिफिशियल पर्सन भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक में जाएगा परपिचअल सक्सेशन कॉमन सील एंड हैज लिमिटेड लाइबिलिटी लाइबिलिटी यहाँ क्या होती है लिमिटेड होती है इसका मतलब कि जितना भी आपने कैपिटल पे कंट्रीब्यूट किया जितना आपका शेयर है कल को लॉस होगा तो आपको झेलना भी बस उतना ही है जैसे पार्टनरशिप में पढ़ा सोल ट्रेडर में पड़ा, sole trader पड़ा कल को कोई लाइबिलिटी आपकी अनलिमिटेड है तो कल को कुछ भी में हो गया तो आपका घर भी बिक रहा है तो आप बेचोगे और वो लाइबिलिटी वो अपना कर्जा जो है वो पूरा करोगे बट यहाँ पे ऐसा नहीं है लाइबिलिटी लिमिटेड है कॉमन सील मतलब यहाँ पे मैं बता दू कॉमन सील का मतलब होता है कि कंपनी जो भी एग्रीमेंट में आती है वो अपने एक सील के थ्रू आती है लाइक like आपने कभी देखा होगा कंपनी का एक वो मोहर जो है वो लगी रहती है जिससे ये बता रहा होता है कि ये कंपनी का सिग्नेचर है तो वहाँ पे लोगों के सिग्नेचर की हर एक शेयर होल्डर की सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं होती कंपनी का खुद का एक मोहर होता है खुद की एक सील होती है जिसके थ्रू वो कोई भी एग्रीमेंट में क्या करती है पार्टिसिपेट करती है एंटर करती है और कल को कोई भी केस होगा तो वो कंपनी के ऊपर होगा क्योंकि उसकी मोहर जो है वो वहाँ पर है ठीक है परपेचुअल सक्सेशन अगर आप देखो तो इसका मतलब यही है कि कंपनी जो है वो हमेशा चलती रहेगी ऐसा नहीं है कि वो कल को बंद हो जाएगी आपके या किसी शेयर होल्डर के ना होने से इसका जो ऑपरेशन है वो कंटिन्यूअस है तो ये थी एक मीनिंग कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के तहत क्रिएट है जिसकी लीगल एंटिटी है परपेचुअल सक्सेशन है कॉमन सील है और लिमिटेड लाइबिलिटी है इट इज़ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु टुगेदर कंट्रीब्यूट इन द कैपिटल ऑफ कंपनी टू डू बिजनेस वॉलेंट्री एसोसिएशन है लोगों की यो है, तो कि वो भाई वॉलेंट्री एसोसिएशन है क्योंकि यहाँ पे आपको कोई फोर्स नहीं, नहीं कर रहा जबरदस्ती नहीं कर रहा आपसे कि आप आइए और कंपनी का पार्ट बनिए और कंपनी में पैसा लगाइए आप खुद अपनी इच्छा से आते हैं और पैसा लगाते हैं अब कल को आप किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाह रहे होंगे तो आपकी इच्छा होगी आप उसके खुद के शेयर होल्डर अपनी इच्छा से बनेंगे और वहाँ पे उसका शेयर खरीद के अपना जो भी कैपिटल है उस कंपनी में कंट्रीब्यूट करेंगे ठीक है तो ये था हमारा एक कॉन्सेप्ट कंपनी को लेके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ कंपनी जो कि आपने डेफिनेशन पढ़ी है यहाँ पे ये बेसिक ये वाली डेफिनेशन इसको आप बिल्कुल याद कर लेंगे क्योंकि इसी से ही आपके फीचर्स भी आपके तैयार हो जाएंगे पहला फीचर जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो है इनकोऑपरेटिड एसोसिएशन कंपनी केम इन टू एग्जिस्टेंस थ्रू द ऑपरेशन ऑफ लॉ भाई इनकोपरेट एसोसिएशन है मतलब कि ये कैसे आती है एग्जिस्टेंस में कैसे ये कंपनी बनती है कैसे फॉर्म होती है एक लॉ है जिसका लॉ है कंपनी लॉ उस कंपनी लॉ की गाइडेंस उसके रूल्स उसके रेगुलेशन उसके पूरे प्रोसीजर को फॉलो करके ही आप कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाते हो अर फोर इट्स इनकॉपरेशन अंडर कंपनी जरूरी है कि आप एक कंपनी को कैसे इनकॉपरेट करो कंपनी एक्ट के तहत इन्कॉपरेट करो विदाउट सच रजिस्ट्रेशन नो कंपनी केव इन टू एक्सिस्टेंस ट्रेडर है सोल so, ट्रेडर में आपको कहीं रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है उसको एक्सिस्टेंस मिलाने आपने कल को दुकान खोल दी बस हो गया लेकिन कंपनी में कुछ रूल्स है रेगुलेशन है एक प्रोसीजर है पूरा जिसको फॉलो करके आपको कंपनी को रजिस्टर करा के पूरा कंपनी को एक एग्जिस्टेंस मिलाना है तो ये एक प्रोसीजर है एक इनकोपरेटिव एसोसिएशन है नेक्स्ट है लाइबिलिटी अनलिमिटेड है जो कि मैंने बताया है कि एक की फीचर है कंपनी का लाइबिलिटी लिमिटेड कैसी है कि शेयर होल्डर ने जितना भी शेयर लगाया है जितना शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है बस उतना ही उसकी लाइबिलिटी है उतना ही उसका पर्सनल एसेट मतलब उसका जो खुद का पर्सनल एसेट है वो रिस्क पे नहीं आएगा कंपनी को कल को कोई डिफिकल्टी होती कल को कंपनी डूब भी जाती है तो आपसे बस उतना ही पैसा मांगा जाएगा जितना आपका शेयर कैपिटल है उससे ज्यादा आपसे नहीं मांगा जाएगा आपको अपने वो कंटिन्यूसली क्या करती है चलती रहती है एग्जिस्टेंस में रहती है ठीक है इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट अंटिल इट इज वाउंड और डिजोल्व एज पर प्रोविजन ऑफ एक्ट जब तक आप कंपनी को वाइंड अप नहीं कर सकते उसको डिजोल्व नहीं कर सकते उसके लिए भी कुछ प्रोविजन है कुछ रेगुलेशन है जिनको फॉलो करके कंपनी एक्ट के तहत जो उनको फॉलो करके आप कंपनी अगर बंद करते बंद हो तभी कंपनी बंद होगी अदरवाइज कंपनी आपकी चलती रहेगी कल को कितने भी शेयर होल्डर आ रहे हैं जा रहे हैं उससे एक कंपनी की एग्जिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता इसीलिए हम कहते हैं ये क्या है परपेचुअल सक्सेशन वाली चीज जो है वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी नेक्स्ट जो आपका फीचर है वो है ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर जो कंपनी के शेयर होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं मतलब कि कल को आप अपना शेयर मार्केट में जाके जिस भी कंपनी का शेयर आप बेचना चाह रहे हो आप बेच सकते हो ठीक है तो वो आप कर सकते हैं सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन मेंशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड अदर एप्लीकेबल लॉ लेकिन कुछ कंडीशन अगर जैसे कि किसी कंपनी की मैंशन है उसके ए ए में तो उसको फिर आपको देख के ही करना पड़ेगा कि जो भी वो कितना अलाउ कर रहा है नहीं अलाउ कर रहा है तो वो चीजें हैं लेकिन बेसिकली फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द ओनरशिप इंटरेस्ट इन कंपनी है, है भैया जब आपको लगा आपने अपना पैसा जो है जो भी शेयर में इन्वेस्ट किया था वो आपने मार्केट में जाके उसको के अपना पैसा निकलवा लिया है तो ये नेक्स्ट है आर्टिफिश लीगल पर्सन ये हमने डिस्कस भी किया था कंपनी क्या है एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि की स्टार्टिंग में हमने देखा डेफिनेशन की ठीक है किल लीगल पर्सन है तो आर्टिफिशियल मतलब क्या है क्योंकि आपने देखा कि यह एक प्रोसेस से आया है प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ मतलब जैसे नेचुरली बर्थ होता है इसका बर्थ कैसे हुआ एक प्रोसेस से हुआ एक जो भी एक हमने कहा ना कंपनी लॉ के तहत आपको जो भी प्रोसीजर है प्रोविजन उसको फॉलो करके आपको कंपनी को एग्जिस्टेंस मिलाना है तो ये आर्टिफिशियल है ये नेचुरली नहीं आई है ये एक लॉ के तहत आई एक प्रोसेस के तहत आई इसलिए कहते हैं इसके आर्टिफिशियल लीगल क्यों कहते हैं क्योंकि लॉ के तहत आई है एक लॉ ने उसको क्रिएट किया उस कंपनी लॉ की गाइडेंस ने उसे क्रिएट किया है पर्सन क्यों है? राइट टू ह्यूमन जैसे एक right ह्यूमन ना, वैसे ही company के भी right हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि कंपनी अपने नाम पे खुद की प्रॉपर्टी ओन कर सकती है बैंक अकाउंट अब जैसे कि आपने देखो कि किसी कंपनी का बैंक अकाउंट होता है है ना जैसे मेरे घर शॉप है उसका खुद का बैंक अकाउंट है ठीक है तो कंपनी का खुद का बैंक अकाउंट हो सकता है खुद की प्रॉपर्टी हो सकती है कंपनी अपने नाम पे जो भी एग्रीमेंट है उसको साइन कर सकती है कल को कोई केस होगा वो कंपनी के ऊपर होगा आपने सुना भी हो इस कंपनी के ऊपर केस हुआ है कंपनी के ऊपर केस हुआ मतलब क्या है कि कंपनी को यहाँ पे एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे लोगों पर केस होता है ना आज उस पर केस हो रहा है ठीक है एवरी थिंग डैट अ नेचुरल पर्सन कैन गो कैन डू एक्सेप्ट गो टू जेल मैरी टेक एन आउट भाई ये तो नहीं कर पाएगी कि, कि, कि किसी से शादी कर ले कंपनी या नो जेल चली जाए ये नहीं होगा लेकिन हाँ ये जो चीजें हैं ये अपने प्रॉपर्टी अपने नाम पे ओन करना बैंक अकाउंट जो है वो खुद का होना ये सारी चीज़ें आपको एक कंपनी में देखने को मिलती है जो कि एक नॉर्मल पर्सन के पास इस तरीके के राइट right होते हैं तो ये इसीलिए हम कहते हैं कंपनी क्या है एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है नेक्स्ट है कॉमन सील जो मैंने बताया आपको कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो एक एजेंसी ऑफ ह्यूमन बींग के थ्रू वर्क करती है इसका खुद का ऑफिशियल सिग्नेचर होता है जैसे कि हमने बताया कि कंपनी जो है वो अपने खुद की मोहर के थ्रू एग्रीमेंट कर सकती है वहाँ पे आपको दस लोग के सिग्नेचर की जरूरत नहीं है कंपनी की सील है जो ये सेटिस्फाई करता है ये आ, बताता है कि हाँ इस कंपनी ने यहाँ पे क्या की है अपनी एग्रीमेंट दी है और इसका कंसर्ट है बिकॉज यहाँ पे इसकी सील है कल को कोई भी केस होगा वो कंपनी के ऊपर हो जाएगा क्योंकि भाई आपकी वहाँ पे मोहर कैसे है तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिलती है आपको कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015 हैज़ मेड द कॉमन सील ऑप्शनल लेकिन एक कंपनी एक्ट 2015 जो एक अमेंडमेंट हुआ है कंपनी एक्ट पे ठीक है जो कि हुआ है 2015 में उसने कॉमन सील को ऑप्शनल कर दिया भाई अपनी खुद की कंपनी की मोहर हो भी सकती नहीं भी हो सकती इट्स अप टू यू अगर आप चाहते हैं अपनी कंपनी का हो तो ठीक है अदरवाइज ऑप्शनल नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आप कंपनी इज नॉट बाय ऑल द मेंबर बट मैनेट बाई दे रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर जो कंपनी है वो उसके सारे मेंबर्स के थ्रू मैनेज नहीं होती है ठीक है कौन मैनेज करता है जो भी आपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए हैं वो भाई कंपनी के कितने शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के बहुत शेयर होल्डर्स होते हैं ठीक है काफी लोग उसके शेयर खरीदते हैं रिलायंस के शेयर कितने लोगों ने नहीं होंगे आप लोगों ने भी खरीदे होंगे तो क्या आप सब उसके मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो क्या खुद जाके आप उसकी कंपनी को मैनेज कर रहे होते हो या खुद उसके डिसीजन ले रहे होते हैं नहीं ले रहे होते हैं आपके टू टू वर्ड या जो लोग भी है वहां पे उनको एक वोटिंग राइट right दिया जाता है जो कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं जो उनको रिप्रेजेंट करेंगे मतलब उनके बिहाफ पे डिसीजंस लेंगे मैनेज करेंगे जिसे हम कहते हैं डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी तो जो मैनेजमेंट और ओनरशिप है वो डिफरेंट है भाई आप भी ओनर हो लेकिन आप मैनेजर नहीं हो आप मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो तो मैनेजमेंट यहां पे अलग है ओनरशिप यहां पे अलग है कोई एक ये कॉन्सेप्ट भी आपको फीचर्स ऑफ कंपनी में देखने को मिलता है तो गाइज ये हमने डिस्कस किया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी कंपनी के मीनिंग कंपनी के फीचर्स आई होप आप समझ पाए स्टिल कोई भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे थैंक यू